नमस्कार, जय श्री राम। मैं प्रियंका, मेरा इंडस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि कोरोना महामारी के इस कठिन समय में आप सभी ठीक हैं और आप सभी आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के डर ने जकड़ा हुआ है, क्योंकि आज तक कोरोना वायरस का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर वृद्धावस्था के लोग यानी 65 साल से ऊपर के लोग और लो इम्यूनिटी यानी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। ऐसी स्थिति में खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा स्तर बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी मुद्राएं बताऊंगी जिन्हें करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। तो जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रही है, तो आइए जानते हैं इन मुद्राओं के बारे में जो इस कठिन समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो प्रतिदिन आप सुबह 10 मिनट तक प्राणायाम करके अपने दिन की शुरुआत करें, फिर गायत्री मंत्र की एक माला का पाठ करें, यानी 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। याद रखें कि आपको गायत्री मंत्र को थोड़ी बड़ी आवाज में करना होगा, ताकि आपका शरीर मंत्र के पाठ द्वारा उत्पन्न कंपनों को महसूस कर सके। आप ये गायत्री मंत्र का जाप इस प्रकार से बोले, ओम भूर भुवस्वः तस्य वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद प्रतिदिन 40 मिनट तक प्राण मुद्रा करें। ऐसा करने से यह मुद्रा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। अब उसके बाद दिन में किसी और समय के दौरान अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए दिए गए क्रम में ये 4 मुद्राएं करें। पहले है चक्र मुद्रा, फिर सूर्य मुद्रा करें, उसके बाद फिर से प्राण मुद्रा करें और अंत में रुद्र मुद्रा करें। याद रखें, आपको इन मुद्राओं को एक के बाद एक बताए गए क्रम में तुरंत करना है। इनमें से प्रत्येक मुद्रा को प्रतिदिन 10 मिनट तक करें। मैंने अपने चैनल पर प्राण मुद्रा, चक्र मुद्रा, सूर्य मुद्रा और रुद्र मुद्रा के वीडियो पहले से ही अपलोड किए हैं। मैंने इस वीडियो के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में नीचे उनके लिंक भी दिए हैं। तो ये मुद्राएं कैसे करें, ये जानने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उनके वीडियो देखें। बस इस दिनचर्या को रोजाना दोहराने से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यह बहुत आसान है। इस मुद्रा को करने के लिए समय निकालना बहुत आसान है। सुबह प्राणायाम, गायत्री मंत्र और प्राण मुद्रा करने के लिए सिर्फ 60 मिनट अलग रखें। बाकी 4 मुद्राएं आप इन्हें शाम को टेलीविजन देखते हुए भी कर सकते हैं। तो ये मुद्राएं रोजाना करें और स्वस्थ रहे, और इसके साथ ही जिम्मेदार नागरिक भी बने। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, बताई गई सावधानियां आप जरूर बरतें। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं और स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन दबाइए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई मुद्रा के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।